जेल जाने के एक दिन पहले केजरीवाल के सपोर्ट में उतर पड़ा पूरा का पूरा जनसैलाब, एक साथ सड़कों पर दिखे लाखों लोग। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दो दिवसीय गुजरात दौरे पर थे, जहां पर केजरीवाल ने चैतर वसावा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें मोदी के गढ़ में केजरीवाल को देखने के लिए लाखों का जनसैलाब उतर पड़ा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जहां भी आपको नजर जाएगी वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई देंगे, वहां आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए लोग दिखाई देंगे। केजरीवाल को सुनने लाखों की भीड़ में वहां पर लोगों का जनसैलाब उतर पड़ता है। यह भाजपा शासित गुजरात में यह दिखाने के लिए काफी है कि केजरीवाल की पकड़ गुजरात में कितनी है और गुजरात के लोग केजरीवाल को कितना पसंद करने लगे हैं। आइए पहले देखते हैं ये वीडियो, जिसमें केजरीवाल को सुनने लाखों की भीड़ में जनता का हुजूम उतर पड़ा था। तो देखा आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल को देखने जनता का जनसैलाब एक साथ सड़कों पर लाखों की भीड़ में उतर पड़े। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यहां पर विधायक चैतर वसावा के समर्थन में एक तगड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने यहां पर तगड़ा ऐलान करते हुए कहा कि चैतर वसावा आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे। अब आइए पहले सुनते हैं कि केजरीवाल ने चैतर वसावा के समर्थन में क्या कुछ कहा था। को गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक बिल्कुल फर्जी और झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है। केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी शकुंतला बेन को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये तो हद हो गई, ये तो एक तरह से शकुंतला बेन तो आदिवासी समाज की बहू है, उनके घर की बहू है, उनके घर के बहू को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। तो पूरा आदिवासी समाज रोष में है। कल हम लोगों ने रैली भी की थी, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं, चैतर वसावा जी से जेल के अंदर, शकुंतला बहन से भी मिले हम लोग। दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हौसले बुलंद हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अंत पंत में बीजेपी को गुजरात से उखाड़ के फेंकना है और जनता उखाड़ के फेंकेगी। हम लोग तो बहुत छोटे हैं कि अब इनकी हद हो गई है, सर से पानी उतर गया है इनके अत्याचार का, इनकी तानाशाही का। जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। चैतर वसावा का कसूर क्या था? चैतर वसावा जनता के लिए लड़ते हैं। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जनता पे झूठी एफआईआर करते हैं तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। जब उनकी किसानों की ज़मीनें छीन ली जाती है तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। चैतर वसावा उनके स्कूल और अस्पताल के लिए लड़ते हैं। तो जनता के मुद्दे उठा रहे थे, जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। कल हमने ऐलान किया है कि चैतर वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले। उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को लगी है और उनको भी जल्दी बेल मिले। अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उनको जिताएगी। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा कि चैतर वसावा लोकसभा चुनाव में जीत पाते हैं या नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को देखने उमड़ा लाखों का भीड़ ये साफ कर देता है कि अरविंद केजरीवाल को मोदी और शाह के गढ़ में भी लोग कितना समर्थन देते हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।